अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, कई जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समुंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़यीफ़ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास शल थे, उसका सरू सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी और उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं, लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी, कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की तलाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थीं। उससे आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी, उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी, दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था, उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। और ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक लाया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो सकीना को उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। उसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब होश हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे, जिनके पास लॉरी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है, उम्र 17 बरस के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8ों नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेलियों पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मकामों पर पहुंचा दिया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज़ वो इसी खिदमत के लिए लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हरड़ के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज़ सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी
और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उसे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और जर्द हो गया। उसने कोई जवाब ना दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई। उसने मान दिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। आठ रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बायस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश करने में मसरूफ थी। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता न मिला। रात को बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में वो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा, लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा, और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहाँ सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। चार आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफातन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने जिस कमरे में रोशनी की थी सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया।